हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन बनाएंगे सिंपल से बिस्किट के साथ में ये चॉकलेटी सा केक। ये केक बहुत ही स्पॉन्जी और दिखने में बहुत ही डिलीशियस और खाने में उससे भी ज़्यादा डिलीशियस बना है। इसके लिए आप कोई भी बिस्किट ले सकते हो। मैंने यहाँ पे बाउंस लिया है और आज का शाउट आउट जाता है तेज प्रकाश को। इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा सा कॉमेंट किया है, तो आपको भी अगर शाउट आउट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे से कॉमेंट्स करें। तो मैंने यहाँ पे दो पैकेट बाउंस के लिए हैं। ये 10 रुपीज़ वाला पैकेट है। आप चाहें तो यहाँ पे बर्बन या फिर पार्ले वगैरह कोई भी बिस्किट ले सकते हैं या कोई अदर चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। अब हम इसको जार में डाल रहे हैं। रफली ऐसे ही आपको तोड़ तोड़ करके डाल लेने हैं। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दूध डाला है ताकि मैं इसको ढंग से ग्राइंड कर सकूँ। दूध आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे लिया है। आप थोड़ा सा और ज़्यादा गर्म दूध ले सकते हैं। और चीनी अपन लास्ट में डालेंगे। आप चाहोगे तो अभी अपन चीनी डाल सकते हैं। दूध मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब बारी है इसको ग्राइंड करने की। तो ऐसा पेस्ट बना लेना है। आपको ज़्यादा थिन पेस्ट नहीं बनाना, ऐसा ही पेस्ट बना लेना है। इससे केक काफ़ी मॉइस्ट बनेगा और बहुत ही अच्छा और डिलीशियस बनेगा और स्पॉन्जी बनेगा। तो अब बारी है यहाँ पे शुगर को ऐड करने की। तो मैंने कैस्टर शुगर ली है, तो 2 चम्मच अपन कैस्टर शुगर डालेंगे। आप मीठे की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है उसके अकॉर्डिंग। हमारे घर में मीठा खाना हम ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने मीठा इतना ही डाला है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉकलेट। मैंने यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट ली है, डार्क चॉकलेट। आप चाहो तो कोई भी चॉकलेट यहाँ पे ले सकते हैं। फिर हम इसको करेंगे मिक्स, और उसके बाद में मिक्स करने के बाद में इसका कलर जो है वो और ज़्यादा चॉकलेटी हो जाएगा। ये चॉकलेट मैंने ऑप्शनल में ऐड करी है। आप चाहो तो चॉकलेट ऐड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस केक को और ज़्यादा चॉकलेटी बनाया जाए, इसलिए मैंने मेल्ट करके यहाँ पर डार्क कंपाउंड यूज़ किया है। आप चाहो तो यहाँ पर डेरी मिल्क या कोई अदर चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में हम डालेंगे इसमें इनो। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर वाला पैकेट इनो लिया है। आप चाहो तो ब्लू वाला भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे इनो जो लिया है वो 2 पैकेट मैंने लिए थे बाउंस के, तो मैंने 1 पैकेट यहाँ पे इनो लिया है। थोड़ा सा दूध डाल के इनो को मिक्स करेंगे, और इनो को डालने के बाद में आपको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अब इनो डाल के हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया इसको। उसके बाद में मैंने केक टिन के अंदर इसको डाल दिया। आप जैसे केक प्रोसेस करते हैं वैसे ही आपको करना है। देन मैंने इसको 45 मिनट तक बेक किया, और आप देखिए टूथपिक पे बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है ये केक। उसके बाद में थोड़ी सी देर मैंने 15 मिनट तक उसको कूल डाउन किया, और उसके बाद में मैंने पूरा एक जो नाइफ होता है उसको पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक इसको घुमाया ताकि ये जो इसका एजेस है ये छोड़ दें और ये केक अच्छी तरीके से बाहर निकले। देन उसके बाद में मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी ये केक बना है, और देखो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना अच्छा और कितना डिलीशियस बना है। आप चाहो तो इस पर गार्निशिंग कर सकते हो। मैंने कोई गार्निशिंग नहीं करी। ओके, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे सजेस्ट करें कि मैं कौन सा चॉकलेट केक या कौन से फ्लेवर का केक बनाऊँ। ओके।